ऐसा कोई मुझको मिल गया है साथिया। जब आप इंटरनेट में इनकी वीडियोस देखते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है, ये दोनों कैसे मिले, और ना जाने कितने सवाल आपके मन में उठते होंगे। तो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आज मैं इस वीडियो में आई हूँ, और वो भी बिल्कुल सही, जो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजू दी का जन्म पंजाब के तरन तारण साहिब के दोहरा पिंड में हुआ। इनकी उम्र इस टाइम 30 साल से ज़्यादा है और इनका पूरा नाम राजविंदर कौर है। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनकी माँ, भाई और इनके तीन बच्चे हैं। तीन बच्चों में दो इनके लड़के हैं और एक लड़की है। इनके बड़े बेटे का नाम सोनू है और छोटे बेटे का नाम मोनू और बेटी का नाम खुशी है। इनके हस्बैंड के साथ इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं। ये अपनी मम्मी के पास रहती हैं, अपने पति के पास नहीं जाना चाहती हैं। इनके पति को इनका वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये परनाज रंधावा से कैसे मिली और इन दोनों ने वीडियो साथ में बनाना कैसे स्टार्ट किया और इनकी वीडियो हुई कैसे वायरल, इसका जवाब देने से पहले चलिए परनाज रंधावा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 24 अगस्त 2000 को परनाज का जन्म भी पंजाब के तरन तारण साहिब के दोहरा पिंड में हुआ। ये इस टाइम 20 साल के हैं और इनका पूरा नाम परनाज प्रीत सिंह है, लेकिन आप लोग इन्हें परनाज रंधावा के नाम से जानते हैं। इनकी फैमिली में मम्मी, पापा और इनकी बड़ी बहन है। परनाज ने अपनी स्कूलिंग अपने पिंड से की है और ये 10+2 पास आउट हैं। इन्होंने अभी कोई भी कॉलेज नहीं किया है। अगर इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 6 फीट है और इन्हें ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि परनाज और राजू दीदी कैसे मिले। राजू दीदी की मम्मी शीरू वो परनाज के घर में बहुत पहले से काम करती थी। जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई तो वो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा। इनकी बेटी परनाज के घर आई और वो काम करने लगी। जब राजू दीदी काम करने आती थी तो परनाज जो है वो वीडियो बनाया करते थे, तो राजू दीदी परनाज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। तब वो वीडियोस परनाज बना रहे थे लेकिन उनकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो राजू दीदी के साथ वीडियो बनाते हैं, क्योंकि राजू दीदी को भी बहुत ज़्यादा पसंद था वीडियो बनाना। तो उन्होंने वीडियो उनके साथ बनाया और उन्होंने अपलोड की। टिकटॉक पर वीडियो जो है वो वाली पॉपुलर हो गई और बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये बात 2019 की है जब राजू दीदी और परनाज साथ में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और साथ ही साथ मन में ये क्वेश्चन भी आता था कि इन लोगों का रिश्ता क्या है, क्योंकि ये लोग रोमांटिक सॉन्ग पे वीडियो बनाया करते थे। जिथे भी गलत लगिया, जिथे भी गलत लगिया, तेनू उस गल तो टोकांगी। इस तरह के कंफ्यूजन चली रहे थे कि तभी परनाज ने एक दिन लाइव आकर ये बताया कि ये जो जिनके साथ मैं वीडियो बनाता हूँ मैं उनको दीदी मानता हूँ, और वो मेरी राजू दीदी है, मेरी वो सगी बहन नहीं है लेकिन मैं उन्हें दीदी ही मानता हूँ। तब से राजू का नाम राजू दीदी पड़ गया। सब लोग उन्हें राजू दीदी कहकर बुलाने लगे। राजू दीदी और परनाज की जोड़ी बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे और टिकटॉक पर इनके 2 मिलियन+ फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन तभी टिकटॉक जो है वो बैन हो गया। तब परनाज ने सोचा कि चलो यूट्यूब पर वीडियोज बनाते हैं। तब से परनाज और राजू साथ में वीडियोस बनाने लगे और उस यूट्यूब से जितनी भी अर्निंग होती है परनाज राजू दीदी को वो पैसे देते हैं जिससे उनका घर चले और उनके बच्चों की पढ़ाई हो सके। तो आप लोग जो इनकी जोड़ी को देखकर निगेटिव कमेंट करते हैं तो वो करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और कुछ लोग तो ये कमेंट करते हैं कि परनाज को राजू दीदी से शादी कर लेना चाहिए, लेकिन कोई बहन से शादी करता है क्या? परनाज राजू दीदी को बहन मानते हैं। अगर इनके इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स की बात करें तो इनके इंस्टाग्राम पर 268K फॉलोवर्स हैं। तो ये छोटी सी लाइफ स्टोरी थी परनाज और राजू दीदी की। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप इनके बारे में कुछ और भी जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे और पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।